बाबा बर्फानंद, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। दोस्तों, अगर आप लोग भी अमरनाथ की यात्रा 2023 में करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप लोग अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन कैसे करें। ठीक है, तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा, देखिए हम बता देते हैं। आपको चले आना है अमरनाथ की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका नाम है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड। इस पर आपको चले आना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पे आपको देखिए लिखा हुआ मिलेगा, क्लिक हियर टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर यात्रा 2023। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इसमें क्लिक कर देंगे तो आपको कुछ स्टेप बताया जाएगा कि किस तरह आप इसको इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और पैसा पेमेंट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को बता दूं कि इस यात्रा का परमिट डाउनलोड करने के लिए आपको ₹220 का चार्ज लगेगा। ठीक है, उसके बाद करना क्या, जब आप इस साइट पे आ जाएंगे मेन पे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा यात्रा रूट ऑफ यात्री यात्रा, या आप बालटाल के रास्ते जाना चाहते हैं या फिर पहलगाम के रास्ते जाना चाहते हैं। अगर आपको इसमें से जहाँ जो भी पसंद हो उसको आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ से चूज करूँगा पहलगाम का रास्ता। और डेट यहाँ पे मुझे मिल रहा है 30 जुलाई का। 29 जुलाई तक का कोई अवेलेबल नहीं है, तो ये 30 जुलाई का जो कि डेट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देखिए अभी 1476 सीट अभी बाकी है, ये हमें कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा यात्री का फुल नेम, फादर नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ। हमें यात्री का फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर यहाँ पे हर चीज भर लेना है। ठीक है, तो हमें करना क्या क्या, यात्री का नाम मैं यहाँ से भर ले रहा हूँ। ये यात्री का नाम हो गया। यहाँ पे आपको फादर का नाम भी भर लेना है। फादर नाम भरने के बाद यहाँ पे आपको जेंडर जो होगा वो आप सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैं मेल कर ले रहा हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड पे होगा उसी को आप यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ से ले ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इनका जो है 31 अक्टूबर 2003। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका एक मोबाइल नंबर पड़ेगा, जिस मोबाइल नंबर पे आपको OTP जाएगा। तो आप OTP वाले उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो OTP वाला नंबर है उसको मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद फिर बताते हैं आपको करना क्या है। जब आप OTP वाला फिल, यहाँ देखिए एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर भी है, इसको आपको मन करे तो लिखिए, मन करे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे एक इमरजेंसी जो नंबर है वो भी मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई बात हो जाता है तो आपको इसी नंबर पे आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा। तो ये इमरजेंसी नंबर मैं यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। ये इमरजेंसी नंबर हो गया, ये चाहिए तो आप अपना ईमेल डालिए या फिर न डालिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर जरूर डालना है। तो आधार नंबर यहाँ पे आप ध्यान से डालिएगा, क्योंकि गलत आधार नंबर आपका नहीं लेगा। फिर ये आधार नंबर ये डाल दीजिएगा। मैं फटाक फटाक यहाँ पे आधार नंबर भी फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे अपना, ये देखिए हमें यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। सिटी आप किस स्टेट से हैं, तो स्टेट में ले ले रहा हूँ। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट हो गया आप वो डिस्ट्रिक्ट ले लीजिएगा। आपके साथ कौन जा रहा है वो भी देखिए लिख लीजिएगा। ठीक है, एक इनका धनंजय नाम के भाई हैं, वो जा रहे हैं, उसको मैं यहाँ उनका नाम लिख दिया। ये ब्लड ग्रुप आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो मैं ब्लड ग्रुप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और ये कहना कि मुझे यहाँ पे इनका एड्रेस है वो मैं लिख दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने आपको ये एड्रेस फिल कर दिया। और यहाँ पे आपको करना क्या, जो जहाँ से आपने मेडिकल बनवाया होगा वहाँ से आप उस स्टेट का, उस लोकेशन का, उस हॉस्पिटल का, उस डॉक्टर का नाम जरूर लिख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए, जैसे मान लीजिए देवरिया जिले का है, इनका मेडिकल कहीं से बन सकता है। देखिए इनका मेडिकल बना हुआ है मऊ जिले से, इनका मेडिकल बना है मऊ जिले से। यहाँ पे मैं मऊ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, उसमें कोई किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर यहाँ पे जो डॉक्टर है, डॉक्टर का नाम, ये जो डॉक्टर जिन डॉक्टर इनको साइन किया है उनका नाम यहाँ पे ले लीजिएगा। फिर यहाँ से इनका फोटो है, उस फोटो को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं फटाक से फोटो इसका सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये देखिए फोटो आपको ध्यान देखो PNG में होना चाहिए, और ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको होना चाहिए PDF में।
तो ये देखिए आप यहाँ पर मेरे ये PDF में हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो है। और ये एक बात और है कि जिस डेट को आपका हेल्थ सर्टिफिकेट जारी हुआ रहेगा उसको आप यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा। उसके बाद आप करना कि ये कैप्चा है, कैप्चा भर दीजिएगा। कैप्चा भरने के बाद ये आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। जब आप सबमिट करेंगे तो आपने जो नंबर दिया हुआ उस नंबर पे OTP जाएगा, तो उस नंबर पे एक OTP जाएगा। तो उस OTP को आप देखिए आप लिखा है क्लिक हियर टू प्रोसेस, तो हियर पे क्लिक करके ये जो लिखा है इस नंबर पे आपको OTP जाएगा। तो OTP आप यहाँ फिल करके कैप्चा डाल के यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, ठीक है, OTP हम डाल दे रहे हैं। तो देखिए मैंने OTP डाल दिया और फिर यहाँ पे मुझे आपको इसका कैप्चा भर लेना है। कैप्चा भरने के बाद देखिए बताते हैं वो कहना कि कैप्चा जब हो जाएगा फिर यहाँ पे हम इसको सबमिट कर देंगे। तो ये सबमिट करेंगे तो देखिए यहाँ हमारा कैप्चा गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम कैप्चा फिर से डाल रहे हैं 7DL63F। यहाँ पे हम सबमिट मार देंगे। सबमिट करने देखिए हमारी ये प्रोसेसिंग हो गई, योर एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड फॉर फ्यूचर प्रोसेसिंग। ये हमारा हो गया है। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।